हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में समझेंगे। तो इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्लिपबोर्ड क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हम कट, कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं और फिर नया टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं, तो पहले वाला टेक्स्ट जो हमने कट या कॉपी किया है वो चला जाता है और उसकी जगह पर नया टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। अगर हम पेस्ट करेंगे तो नया टेक्स्ट पेस्ट होगा, जो पुराना भी पेस्ट नहीं होगा। तो एक्सेल में एक बहुत ही अच्छी सुविधा है, वो है क्लिपबोर्ड की। इसमें कट या कॉपी किए हुए 24 टेक्स्ट अपने आप ही टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं, और अगर हम 24 से अधिक टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और उसके स्थान पर नया टेक्स्ट आते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमने बिना कट कॉपी के पेस्ट करना है, तो हम ये काम क्लिपबोर्ड में जाकर उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड का सारा स्टोर किया हुआ डाटा चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ से क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिपबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम जो भी यहाँ पे कॉपी या कट करेंगे वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड यहाँ पे एरिया में आता जाएगा। ये देखो, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, ये देखो यहाँ पे आ गया। ये इसके बाद इसको कॉपी किया तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो कॉपी किया, ये भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको कॉपी किया तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो जितना भी हम यहाँ से कॉपी करते जाएंगे ये यहाँ पे आता जाएगा। ये देखो जितना भी हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड एरिया में आता जाएगा। पॉज करो, ये हमने यहाँ पे पेस्ट करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम और यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद और कुछ यहाँ पे कॉपी करना है, जैसे ये कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जितना भी है यहाँ पे कॉपी किया हुआ है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारा ही ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे पेस्ट होके आ गया। तो इस प्रकार हम ये जितना भी है इसको अगर चाहते हैं कि ये हमने यहाँ पे कॉपी करना है तो ये कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा यहाँ से क्लियर करना है, जितना भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लियर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी यहाँ पे ये कॉपी किया हुआ है ये सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक किया, ये देखो जितना भी यहाँ पे कॉपी किया था या कट किया था वो यहाँ से क्लियर हो गया है। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, मूव, साइज, क्लोज। मूव का मतलब होता है अगर हम चाहते हैं कि ये क्लिपबोर्ड हमने यहाँ पे ले जाना है तो हम मूव पे क्लिक करेंगे। मूव पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया। ये तो जहाँ भी हमने रखना है वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ये देखो यहाँ पे रखना है तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अगर फिर हमने इसी पोजीशन पे लाना है इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, तो ये मूव हो गया। इसके बाद है साइज़, अगर हम इसका क्लिपबोर्ड का साइज़ ये बढ़ाना चाहते हैं, सपोज करो इतना हमने ये साइज़ रखना है, तो हम साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो साइज़ ये बढ़ रहा है। ये कम करना है तो ये इसको यहाँ पे खींचेंगे ये कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद है क्लोज़, क्लोज का मतलब ये होता है अगर क्लिपबोर्ड को बंद करना है तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, या ये क्रॉस यहाँ पे दिया गया है इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सपोज करो हमने इसको क्लोज पे क्लिक किया तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार हम ये क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको सारी को डिलीट करते हैं, ये डिलीट किया। इसके बाद क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट
फॉर्मेट प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर हम इसको बोल्ड करेंगे, इसको कलर यहाँ पे फिल कलर, यहाँ पे ये कलर हमने फिल कर दिया, इसके बाद इसका फॉन्ट यहाँ पे हम ये जैसे ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये सेट करने के बाद ये जो है हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी। और अब क्या करना है हमें, ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब कहाँ पे ये देखो फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक करते ये ब्रश का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कहाँ पे इसको अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे टोटल पे अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये सेम फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पे की हुई है ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद ये जो ब्रश का सिंबल है यहाँ से चला जाएगा। अगर हमें ये जो है इस पेपर टू यहाँ पे करनी है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे ये ब्रश का सिंबल फिर चला गया, हम चाहते हैं कि ये बार बार हमें ना करना पड़े, एक एक बार हम यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है, ये डबल क्लिक किया, अब जहाँ जहाँ पे चाहिए हमें ये फॉर्मेटिंग ये अप्लाई करनी है वहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे चाहिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे चाहिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे चाहिए यहाँ पे, तो जहाँ पे चाहिए ये देखो ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर का ये जो सिंबल है ब्रश का ये नहीं जाएगा। इसको हटाने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक किया, ये देखो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद नहीं तो एस्केप की प्रेस करेंगे, ये फॉर्मेट प्रिंटर का ये जो सिंबल आता है ये चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मेटिंग की हुई है इसको यहाँ से अंडू करेंगे, ये सारी हमने यहाँ पे अंडू की। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम अब कट कॉपी पेस्ट को समझेंगे कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो सपोज करो ये पेपर टू, ये पेपर टू यहाँ से कट करना है हमने और यहाँ पे एच में रखना है, तो ये कैसे करेंगे हम, ये जैसे पेपर टू यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कट पे जाएंगे, यहाँ पे कट करने के बाद इसको काटने के बाद कहाँ पे रखना है, एच पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे पेस्ट होके आ गया। अगर हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे आ गया, इसकी कॉपी यहाँ पे भी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब हम सेकंड कमांड को करेंगे कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे इसको रखना है, जैसे डी में रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो पेस्ट पे क्लिक किया, तो इसकी कॉपी जो है ये यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में जाना, क्लिपबोर्ड के बारे में जाना, कट कॉपी पेस्ट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।